हेलो एवरीवन, अभी जब से हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट की है तब से एक बात सुनते आए हैं कि कोई भी एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। अब जैसे ऑक्सीजन हो गया, हम लोग लिख देते हैं O2। नाइट्रोजन की बात कर लें तो वो भी हो जाता है हमारा N2। हाइड्रोजन हो गया तो H2। ये तो चलो एक जैसे एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एक जैसे एटम्स थे तो इसीलिए आपस में कनेक्टेड है। लेकिन जो कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे वाटर ले लीजिए H2O, अब ये भी एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि ये तो दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी पावर है या कौन सी फोर्स है जो दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स को या फिर एक ही एटम के अलग अलग एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है? तो उस फोर्स को बोला जाता है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग क्या है? इट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। केमिकल बॉन्डिंग जो है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है दो पार्टिकल्स के बीच में। अब वो जो पार्टिकल्स हैं वो दो एटम्स भी हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या फिर दो आयंस भी हो सकते हैं। अब इसमें हम लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो केमिकल बॉन्डिंग है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। केमिकल बॉन्डिंग इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है जो दो चीज़ों को आपस में जोड़े, जैसे ब्रिज होता है। ब्रिज एक मटेरियलिस्टिक थिंग है, दो किनारों को आपस में जोड़ता है। लेकिन जो केमिकल बॉन्डिंग है वो सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स है, वो एक अट्रैक्शन की फोर्स है जो दो एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को या आयंस को आपस में जोड़ के रखती है। इसीलिए जो ऑक्सीजन है इसमें क्या है, ऑक्सीजन के दो एटम्स में बॉन्ड बना हुआ है, नाइट्रोजन के दो एटम्स में बॉन्ड बना हुआ है और हाइड्रोजन के दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। इस तरह से ये बॉन्ड्स फॉर्म होने से ही जो दो एटम्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। क्योंकि अब हम लोग जान चुके हैं कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो अब हम लोग इनकी टाइप्स की बात करेंगे। अब तो क्या है कि जो केमिकल बॉन्ड है इनकी हम लोगों को फोर टाइप्स मिलती हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस या फिर वैन डर वाल इंटरेक्शन। अब देखिए, हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाते हैं, कुछ मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, एसिड्स हैं, बेसिस हैं, इसी वजह से उनको वो जोड़ने वाली फोर्सेस हैं यानी कि जो बॉन्ड्स हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड से। ये जो आयनिक बॉन्ड है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड्स जो हैं इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आयनिक बॉन्ड्स हैं इनमें हमारा जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाता है। अब इसके बेस्ट एग्जांपल है हमारा कॉमन सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में हम लोग जानते हैं जो सोडियम है पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन जो है नेगेटिव आयन है। इसकी वजह क्या है हम देखिए, जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। जो सोडियम है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वैलेंस शेल में, अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो स्टेबल हो सकता है। और जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन को सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंस शेल में जिससे वो स्टेबल हो जाए। तो अब क्या हुआ कि जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास था इसने उसको ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन के पास, इससे क्या हुआ, इससे इसका भी वैलेंस शेल स्टेबल हो गया और क्लोरीन का भी वैलेंस शेल स्टेबल हो गया। तो इस तरह से जो सोडियम था उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और जो क्लोरीन था उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से इन दोनों में जो बॉन्ड बना वो है आयनिक बॉन्ड। अब देखिए, जो आयनिक बॉन्ड है कंप्लीट ट्रांसफर से बन रहा है, इस वजह से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बॉन्ड।
जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे सॉल्ट है तो ये भी क्या हो गया, एक आयनिक कंपाउंड हो गया है। अब जो सॉल्ट है या और कोई भी आयनिक कंपाउंड है, अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करें तो वो ये है, एक तो इनका क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है, दूसरी चीज क्या है कि इनके हीटिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है बहुत हाई है, क्योंकि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है हमारा, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट का मतलब क्या है, को का मीनिंग है शेयरिंग और वैलेंस यहाँ पे आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉन हैं शेयर किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये किन में बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि कार्बन। कार्बन जो है बेस्ट एग्जांपल है कोवेलेंट बॉन्डिंग का। कार्बन जो है सिंगल, डबल और ट्रिपल, तीन तरह के कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और इस कार्बन जो है बेस्ट एग्जांपल है कोवेलेंट बॉन्डिंग की। अब कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग की हेल्प से कार्बन के ही साथ या कई और कंपाउंड के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीन तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों, देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर है 6। इसका मतलब क्या है, कार्बन का जो वैलेंस शेल है यानी कि सेकेंड शेल या फिर एल शेल, उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो सेकेंड शेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को सेकेंड शेल ऑक्यूपाई कर पाता है। अब क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हाफ फिल्ड है, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह और है, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए, तो कार्बन को 4 चाहिए और कार्बन के पास 4 हैं, तो दूसरा कार्बन ही जो है वो इसको बड़ी आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर सकता है। तो इस तरह से जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये होते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहे हैं, इसीलिए ये आयनिक बॉन्ड से, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहे हैं इसीलिए ये आयनिक बॉन्ड से थोड़े वीक होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं, इनको कंप्लीट ट्रांसफर नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन का। अब क्या है, इनको ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया। अब अगर कोई और ऐसा एलिमेंट हो जो इनके साथ बॉन्ड से शेयर कर सके, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके, तो ये बड़ी आसानी से उसके साथ भी बॉन्ड्स बना लेंगे, इसीलिए ये जो है वीक होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आप लोग नाम से समझ सकते हो कि एक तो इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता क्या है कि एक तो हाइड्रोजन होता है हमारा, और इसके साथ एक जो है बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं हमारा ऑक्सीजन, क्लोरीन। सेकंड पीरियड के जितने भी हमारे एलिमेंट्स हो गए वो सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, जैसे हम लोगों ने कार्बन बॉन्ड दिखाना था तो ये सॉलिड लाइन शो कर दी, आयनिक बॉन्ड था तो ये सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें हमेशा डॉटेड लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं। अब ये जो डॉटेड लाइन्स हैं ये सिंबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। जैसे कि वाटर है, वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये वीक होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये वीक बॉन्ड होते हैं। और लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और लेस वॉलेटाइल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स। और जो हमारी लास्ट टाइप है, और जो हम लोगों की लास्ट टाइप है, दैट इज वैंडरवॉल फोर्सेस या फिर वैंडरवॉल इंटरैक्शंस। अब ये जो वैंडरवॉल इंटरैक्शंस है ये क्यों होती है, वैंडरवॉल इंटरैक्शंस आर ड्यू टू द इंड्यूस्ड डाइपोल। जो इंड्यूस्ड डाइपोल है इसका क्या मतलब है, हम लोग हमेशा ऐसा
मानते हैं कि कोई भी जो एटम है उसके सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके आसपास जो है उसके वैलेंस शेल में रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा जो एटम है वो कम्प्लीटली स्टेबल राउंड फिगर है, क्योंकि इसको जो है फोर्सेस ने स्टेबल किया हुआ है। लेकिन मान लीजिए किसी भी वजह से ये जो हमारा एटम है इसको हम लोग पोलराइज कर रहे हैं। पोलराइज का मतलब क्या है कि इसका जितना भी मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा एक साइड चला गया और जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो सारा का सारा एक साइड आ गया। तो इस तरह से ये हमारा जो एटम था ये पोलराइज हो गया। अब क्योंकि ये पोलराइज है तो हम लोग जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब ये जो एटम है हमारा जब ये किसी और एटम की विसिनिटी में जाएगा, मान लीजिए किसी की विसिनिटी में ये वाला एटम आ गया, तो इससे क्या होगा, क्योंकि इस साइड नेगेटिव चार्ज है सारा का सारा इस साइड इकट्ठा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इससे अपोजिट साइड इकट्ठा हो जाएगा सारा का सारा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से इस एटम ने इस एटम को भी पोलराइज कर दिया और क्योंकि अब ये पोलराइज हो चुके हैं पॉजिटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो चुका है नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो चुका है, तो इससे क्या हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव चार्ज है तो इनकी आपस में अट्रैक्शन हो गई और इस अट्रैक्शन की वजह से ये जो दो एटम्स हैं ये आपस में बॉन्ड हो गए इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन हम लोगों को ये याद रखना है कि जो वैंडरवॉल फोर्सेस हैं वैंडरवॉल फोर्सेस सारी टाइप ऑफ बॉन्ड्स में वीकेस्ट ऑफ ऑल बॉन्ड्स, ठीक है जी। जो वैंडरवॉल फोर्सेस हैं सबसे वीकेस्ट फोर्सेस हैं और क्यों होती है ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये जो है ये हैं हमारे फोर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्ड क्या होती है, ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि दो पार्टिकल्स को हमेशा आपस में कनेक्ट करके रखती हैं, आपस में जोड़ के रख सकती हैं। अब दो जो पार्टिकल हैं वो चाहे एटम्स हों आयंस हों या मॉलिक्यूल्स हों। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।